हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करते हैं हमारे एक ट्रेड के बारे में जिसमें हमने 5% से ज़्यादा का मुंह कैप्चर किया था। तो ये ट्रेड था बजाज फाइनेंस में और डेट थी 17 मार्च, एक इंट्राडे ट्रेड था। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं जो ट्रेड लिया उसका एंट्री का लॉजिक, एग्ज़िट का लॉजिक, ये सब आपके साथ में शेयर करना चाहता था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए देखते हैं बजाज फाइनेंस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बजाज फाइनेंस में 11:30 बजे हमने एंट्री की थी और लेवल था 3636। इस लेवल पे हमने सेल किया था और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑटो स्क्वायर ऑफ हुआ था डे एंड में और इसकी वैल्यू है 3636 पे हमने सेल किया था और 3452 पे हमने इसे बाय किया था डे एंड पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे 184 पॉइंट्स मिले हैं, विच इज़ मोर देन 5% ऑफ द मूव जो हमने कैप्चर किया था। तो हम देखते हैं कि एंट्री का क्या लॉजिक था और एग्जिट कैसे किया हमने, तो ये सब हम चार्ट में जाके इसके देखते हैं। तो दिस इज़ द चार्ट ऑफ बजाज फाइनेंस। इसमें हम 5 मिनट्स का चार्ट देखेंगे। 5 मिनट्स का मैंने चार्ट ओपन किया है और मैं जाता हूँ 17 मार्च पे। दिस इज 17 मार्च और हम टाइमिंग सेलेक्ट करते हैं 11:30 बजे। देखते हैं कि ऐसा क्या ट्रिगर आया था या फिर मुझे क्यों लगा कि यहाँ से मैंने सेल करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस वॉज द चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेवल है, यहाँ से उसे रिजेक्शन मिल रहा है 3700। यहाँ पे उसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, यहाँ से उसे सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पे इस कैंडल पे आप देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद में भी और फॉलो अप रेड कैंडल बनी है और यहाँ से ट्रेंड ये नीचे जा रहा है। तो मैंने एंट्री की 11:30 बजे, मतलब अराउंड ऑन दिस कैंडल। और एक रीज़न था कि ये जो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू लाइन इज़ VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। VWAP के नीचे चला गया था प्राइस और ट्रेंड भी दिखा रहा था कि बेयरिश ट्रेंड है और 3700 पे उसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा था। तो इस लेवल पे 3636 ये लेवल मिला मुझे सेल करने के लिए और मेरा स्टॉप लॉस था जस्ट 20 पॉइंट्स एट दिस लेवल, जो कि VWAP का लेवल है। VWAP का लेवल 24 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था। यहाँ पे मैंने एंट्री ली। तो ये मैंने लॉजिक बताया, VWAP के नीचे चल रहा था और ट्रेंड भी उसका बेरिश था। तो ये हमने एंट्री ली और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बाद में स्टॉक नीचे गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट वो 3650 तक आया था लेकिन स्टॉप लॉस हमारा 3660 का जस्ट वहाँ तक पहुँच के थोड़े से स्टॉप लॉस हमारा रह गया। लेकिन जैसे ही उसके बाद में फिर से स्टॉक ने बहुत बड़ा नीचे का मूव किया और हमें अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हुआ है। हमने एग्जिट यहाँ पे किया है 3:23 PM जब ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो ऑलमोस्ट हमें 184 पॉइंट्स मिले, विच इज़ ग्रेटर देन 5% मूव। और हमारा रिस्क हमने 24 पॉइंट्स का लिया था और हमें 184 पॉइंट्स मिले, तो रिस्क रिवॉर्ड था हमारा 1:7। तो आप भी जब ट्रेड लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिस्क हम कितना ले रहे हैं और उस हिसाब से हमें रिवॉर्ड कितना मिल सकता है। अगर रिस्क मुझे अगर 20 रुपये का रिस्क लेके अगर मैं 15 पॉइंट्स ही मिल सकते हैं तो ऐसा ट्रेड मैंने
या आपने नहीं लेना चाहिए। और एक बात, ये तो ट्रेड के दौरान क्या चल रहा था, ट्रेड के दौरान मुझे तो पता था मेरे डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो मैंने कोई टारगेट पुट नहीं किया, मैं जस्ट जस्ट अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है ये आपको नहीं पता, लेकिन क्या आप वो प्रॉफिट लेने के लिए रेडी है, तो उसके लिए आपको ट्रेल करना ज़रूरी है। अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए और खुद होके मत निकलिए। एक जस्ट मार्केट को अलाउ करिए करिए कि वो आपको निकालेगा, एक तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा डे एंड में। तो इस तरह से ये मेरा ट्रेड था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, और आई होप आपको इससे सीखने को कुछ मिला है। इसी तरह के हम ट्रेड से रिलेटेड और वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे बनाते रहते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में सीखना है उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह के हम एनालिसिस और ट्रेड्स हमारे शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है ट्रेडिंग इनकम। दिस इज़ अवर टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ। आप यहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड विश यू ऑल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।